गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू तरुण एक्वाटिक। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ गाइस कि फिश को कैसे एड करते हैं कम्युनिटी फिश टैंक में, और फिश ला के डालने का क्या तरीका होता है। तो चलिए गाइस बिना देर करे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फिश को कैसे डाला जाता है। तो देख सकते हैं गाइस, आज मैं प्यारी प्यारी एंजल फिश लेके आया हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको टैंक में डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसका बॉक्स ओपन कर लिया है और टैंक में मैंने डाल, ताकि इससे होता क्या है गाइस कि इससे इसका टेम्परेचर जो होता है वो मैच हो जाता है। तो ये देखिए गाइस हमने इसको डाल दिया है, आपको दिखा सकता हूँ। देखिए आज मैं ये वाली एंजल ऐड करने वाला हूँ इसमें, मतलब ये प्लेटेनियम है और डबल कलर में है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव एंजल लगी मुझे, तो मैं लेके आया हूँ इसको। तो चलिए गाइस बिना देर करे हम लोग इसको डालते हैं। तो पहले डायरेक्ट नहीं डालेंगे, अभी इसका टेम्परेचर मैच होने देंगे, फिर इसका पानी लेंगे टैंक का, और फिर इसको बाहर निकालेंगे, और फिर दिखाता हूँ मैं आपको पूरी प्रोसेस। तो हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी दिख रही है, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर से इसका पूरा व्यू। और आप देख सकते हैं ये मेरा कम्युनिटी टैंक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको मैं मिक्स करूँगा पहले टैंक का पानी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पहले इसको फाड़ लिया है कैंची की सहायता से। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने पहले इसमें इसका टैंक का पानी मिक्स किया है, ये देखिए ये डायरेक्ट। तो कुछ लोग क्या करते हैं गाइस कि इसमें डायरेक्ट डाल देते हैं, तो वो भी नहीं डालना। अब इसको तो आप देख सकते हैं गाइस, आप मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ क्योंकि इसका जो मैं एक्वेरियम शॉप से पानी लाया हूँ वो उतना अच्छा रहता नहीं है। तो ये देखिए गाइस मैंने इसको इस टाइप से रख दिया है, और आप देख सकते हैं गाइस कि फिश कैसा है। तो उससे क्या इससे फ़ायदा ये होता है, ये देखिए गाइस इससे फ़ायदा ये होता है कि फिश का जो टेम्परेचर रहता है और टैंक का टेम्परेचर वो सेम हो जाता है, और उसमें एक्यूमुलेट हो चुकी है। अब गाइस इसको टैंक में ऐड करने की बारी आई है। तो चलिए गाइस आपको मैं इसमें टैंक में ऐड करा के देखता हूँ। पर उससे पहले गाइस आप देख सकते हैं कि ये फिशेस कितने अच्छे से हैं, और मैं आपको इसको कम्युनिटी टैंक में ऐड करके दिखा रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ला के डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। मान के चलिए कम्युनिटी फिश टैंक वाले के एक्वेरियम में कोई मिस्टेक है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो इन फिशेस को भी लग जाती है। और तो इसलिए गाइस क्या है कि हमारी सारी फिशेज डिसइन्फेक्टेड नहीं हो, इसी कारण इनको हम लोग अलग से रखते हैं। तो इसका कारण है, अगर आप भी लाएं तो उसको पहले इसी प्रकार से करें, डायरेक्ट ला के ना डालें, टैंक का पानी और वो दोनों मैच करें और इसके बाद ही डालें। तो देखिए गाइस आप इसमें ये देख सकते हैं आप इनको। अब मैं इनको मेरे कम्युनिटी फिश टैंक में ऐड करने वाला हूँ, तो जल्दी से बिना देर किए मैं दिखाता हूँ। अभी ये फिशेज डरी हुई हैं काफ़ी, तो मैं आपको दिखाता हूँ, और तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने ये हरा वाला नेट ले लिया है, और अब मैं इनको ऐड करने जा रहा हूँ। तो मैं पहले पकड़ने वाला हूँ इस एंजल को। तो ये देखिए गाइज, ये देखिए आप, ये देखिए दोनों एंजल आ चुकी हैं मेरे नेट में, ये देख सकते हैं गाइज आप। और अब बारी इनको कम्युनिटी फिश टैंक। ये कुछ गाइज इस टाइप का व्यू दिख रहा है आपको, ये थोड़ा ब्लर ब्लर दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ जलते हैं गाइज। तो देख सकते हैं गाइज आप, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए आप, ये मेरी दोनों फिशेज हैं एंजल फिशेज, ये देखिए आप इनका कलर कॉम्बिनेशन देखिए। ये देखिए गाइस कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। तो ये प्लेटेनियम में थोड़ा सा कलर मिक्स थे ब्लैक और ये, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव सी लगी तो मैंने ले ली इनको। ये देखिए गाइस, ये देखिए आप, ये एक को छोड़ा है गाइस, और ये देखिए आप ये दूसरे को भी मैं छोड़ रहा हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए ये जा चुके हैं, ये देखिए आप। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये मेरी न्यू एंजल है, ये देखिए गाइस आप, ये देखिए आप, ये प्यारी प्यारी न्यू एंजल्स हैं, ये देखिए आप कितने अच्छे से रह रही हैं, ये देखिए आप, ये देखिए गाइस आप। और ये इन एंजल्स फिश के साथ आ चुकी है, ये देखिए आप। तो गाइस ऐड करने का तरीका बिल्कुल यही होता है कि इस हिसाब से ही आप ऐड करें, तो कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए गाइस आप कितनी अच्छी दिख रही हैं आपको, ये देखिए आप कितनी प्यारी है ये एंजल फिश, मतलब ये कुछ अलग हटके है, ये देखिए गाइस आप। तो यही कुछ वीडियो थी गाइस, मुझे लगा बताना चाहिए, कई लोगों को आता नहीं है, फिर फिश मरती है। एक ये नीचे आ चुकी है, ये देखिए प्यारी प्यारी सी गोल्ड फिश ने छुपा ली है, ये देखिए गाइस। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो आप ज़रूर बताएं, और बेल आइकन को प्रेस करें गाइस। इसमें फिशेस को जो ऐड करने का तरीका होता है वो यही होता है, इसी तरह से फिश ऐड की जाती हैं। और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर नहीं पसंद आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर मेरी कोई गलती हो, वैसे मुझे लगता नहीं है कि मैंने कोई गलती की है, पर फिर भी अगर आपको लगती हो तो आप बता सकते हैं। तो आज मुझे वो फ़िश कुछ अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है मैं ले जाता हूँ। तो मुझे एंजल फिश काफ़ी पसंद है,
तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो आप जरूर बताएं, और प्लीज बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि आपको मेरी इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।